शिक्षा खंड स्वारघाट के तहत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला छाम भुजान के बच्चे आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। नतीजा ये हो गया है कि स्कूल के खेल मैदान कुत्तों से भरे पड़े हैं। पिछले दिन भी स्कूल के खेल मैदान में जब बच्चे खेल रहे थे तो एक आवारा कुत्ते ने विद्यार्थी को बुरी तरह काट डाला, जिसके बाद घायल छात्र पुनीत गौतम को PHC स्वाहन ले जाकर उसका उपचार करवाया गया। स्कूल के शिक्षक अमर दास ने बताया कि स्कूल की अपनी चारदीवारी न होने से विद्यालय को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि चारदीवारी न होने से सुबह से ही पाठशाला में आवारा कुत्ते तथा पशु लेटे रहते हैं। अध्यापक अमर दास का कहना है कि जानवरों के कारण बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। स्कूल में घुस रहे इन आवारा जानवरों को भगाने में उनका समय नष्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय ग्रामीणों एवं अध्यापकों के अनुसार चारदीवारी तो दूर इस विद्यालय के खेल मैदान के बीच से कुछ घरों के लिए सड़क भी गुजरती है, जिससे मैदान में हर पल वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। स्कूल प्रबंधन ने मांग की है कि स्कूल में चारदीवारी का निर्माण करवाकर विद्यार्थियों को इन आवारा जानवरों से मुक्ति दिलवाई जाए। सर, मेरा नाम सिकंदर पाल है और मेरे बेटे का नाम पुनीत गौतम है। वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल छाम्बू जाना है। तो कल मेरे लड़के को कुत्ते ने काट लिया, बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। तो यही है, मेरी प्रशासन से गुजारिश यही है कि इसका जल्दी से जल्दी कोई प्रबंध किया जाए। हाँ सर, बच्चे को इंजेक्शन वगैरह लगवा लिए, बाकी जो बचे हैं वो अगड़े सैचुड़े को बोला है डॉक्टर ने, तो वो लग जाएंगे। मेरा नाम अमरदास, मुख्य शिक्षक राजकीय प्राथमिक पाठशाला छामुजान। पिछले कल को एक हमारे स्कूल में घटना घटी। मेन कारण तो हमारे यहाँ पर चार पाठशाला के चारों तरफ को चार दीवार, ना हाई स्कूल के पास साथ है ना प्राइमरी के साथ। जंगली जानवर तो घूमते हैं, फिर पालतू पशु भी यहाँ पर घूमते रहते हैं, कुत्ते वगैरह आवारा, ऐसे आवारा पशु भी यहाँ पर घूमते रहते हैं। और बच्चे खेल रहे थे रिसेस टाइम में, खाना खाकर थोड़ा खेल रहे थे, तभी उसी एक पागल कुत्ता, पागल तो हम बोल सकते पर चलो आवारा कुत्ता था ना, उसको उसने बच्चे को काट दिया। और फिर मैंने उसी तुरंत बच्चे के पिता को फ़ोन किया, फिर पिता की स्टेटमेंट थी कि मैं भाई घर में नहीं हूँ, आप अपने आप खुद कर लो। मैंने कोई बात नहीं, आप जब आएंगे तब आ जाना अपने। फिर मैंने उसको तुरंत डिस्पेंसरी स्वान में ले गया, उसको फर्स्ट एड भी करा दिया, TDS का टीका भी लगा दिया है, और उसको जो एंटी लगता है उसको उसका भी ट्रीटमेंट करा दिया है। और उनको डिस्पेंसरी वालों अब 11 तारीख को बुलाया हुआ है उसको इंजेक्शन के लिए, अब इंजेक्शन के शुरू कर दिया। पर तो मेरे प्रशासन से यही मांग है, क्योंकि हाई भी है और प्राइमरी भी है, कैंप्स एक है, और सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे को ये आ रही है कि यहाँ चार दीवारी की कमी है, आवारा पशु यहाँ घूमते रहते हैं। और लोगों के और एक प्रॉब्लम और है हमारे यहाँ पर इस कैंप्स में, रोड के जो पाठशाला का जो खेल का मैदान है उसके बीच में से एक रोड निकला हुआ है। और चलो वो तो प्रशासन देखेंगे कि जैसे होगा वैसे उसको निकालेंगे पीछे से। पर मैं और सुबह जब हम आते हैं या दिन में तो तीन तीन चार चार गाड़ियाँ खड़ जाती है। और मेरे पास जो है आज की डेट में 35 बच्चे प्राइमरी में है और 22 बच्चे जो है प्री प्राइमरी में है, परंतु छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो संभालने जो है। फिर हमारे जो खुला एरिया है सारा, कई बच्चे जो रोड पर दौड़ जाते हैं, इसके हमारे को बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई ऐसे चार दीवारी का कोई प्रावधान नहीं है। मेरी गुजारिश यही है, गुजारिश सभी डिपार्टमेंट से भी और पत्रकार के माध्यम से भी, क्योंकि हमारी जो उचित मांग है उसको शीघ्र अतिशीघ्र उठाया जाए।